आज हम लोग करेंगे रीजनिंग के बैठक व्यवस्थीकरण चैप्टर को देखेंगे। इसमें से सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे बैठक व्यवस्थीकरण क्या होता है? व्यक्ति या वस्तुओं के कुछ समूह को के समूह को एक कुछ व्यवस्थित नियम के अनुसार क्रम में बैठाने की व्यवस्था है। तो जैसे कि यहाँ पे चार तरह के सवाल दिए जाएंगे, चार तरह के सवाल होंगे जहाँ पे व्यक्ति या वस्तु उनको लाइन से बताया जाएगा किस क्रम में बैठाया जा रहा है, तो आपको आंसर देना होगा। तो जैसे सवाल लगाते हैं समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला जो प्रकार है उसमें है रेखीय क्रम व्यवस्था। तो रेखीय क्रम व्यवस्था मतलब एक रेखा में कई लोगों को बैठाने का नियम बताया जाएगा। उस नियम के अनुसार हमें वहाँ पे बनाना होगा और फिर आंसर देना होगा। तो पहले इसमें भी दो तरह के होंगे। रेखीय क्रम व्यवस्था में पहला क्रम जो होगा उसमें होगा केवल एक रेखा या एक पंक्ति में बैठने के लिए बोला जाएगा। और दूसरा है उस दूसरी स्थिति जो है उसमें दो रेखाएं होंगी। दो रेखाओं में कुछ पहली रेखा में कुछ को दूसरी रेखा में बोला जाएगा। तो इस तरह के सवाल दिखेंगे। तो यहाँ पे बस एक चीज हमें देखना है, जब दिशा दी हुई दिशाएं दी गई होंगी। अगर दिशा दी है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो हम अपने जिधर भी हम रहेंगे कोई भी एक दिशा ले लेंगे और अपना बायां दायां उसको मानेंगे। बस यहाँ बायां दायां को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो सवाल है उसमें बोल रहा है कि एक पंक्ति में खड़े हुए पांच सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो ये सवाल है। तो इसमें क्या, इसमें दिशा नहीं बताई गई है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं या दक्षिण की ओर, किधर नहीं पता है। तो अपने हिसाब से जैसे अगर हम बोर्ड के सामने खड़े होते हैं तो हमारा मुंह किधर जाएगा, उत्तर की ओर है, तो हम उसी तरफ बना लेंगे। जैसे आप पहला सवाल लगा रहे हैं हम लोग, तो मान लेते हैं इधर उत्तर की ओर है और अपना बायां दायां समझेंगे। कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। तो इस तरह बना लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह बना लिया। अब इसमें बोल रहा है, अब जैसे बोल रहा है उसी तरह से बैठाते जाएंगे। बोल रहा है पांच सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो एक चीज और देखना है हमें, सवाल को पूरा पढ़ लेना है। सवाल को पूरा पढ़ने से क्या होगा कि अगर कोई हो सकता है एकदम किनारे जो छोर पे बैठे हुए लोग अगर मिल जाते हैं, जैसे बोलेगा कि इस छोर पे ये है या वो इस छोर पे है कोई, तो छोर वाले अगर मिल जाते हो तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो जैसे बोलता जाएगा उसी तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। तो पहले सवाल में छोर पे तो पता नहीं है कौन है, तो यहाँ पे बनाते हैं। बोल रहा है यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो यू का दाया कौन सा होगा? इधर होगा यू का दाया। तो अगर हम लोग यू को यहाँ बनाते हैं तो आर कहाँ होगा? यू के दाईं ओर कौन है? आर है। और किसके बाईं ओर है? क्यू के बाईं ओर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्यू, क्योंकि क्यू यहाँ बैठा है तो इसका बाया इधर होगा, अपना ही बाया दाया मानना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर। फिर उसके बाद बोल रहा है क्योंकि दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। क्योंकि दाईं ओर कौन है? पी। और किसके बाईं ओर है? एस के बाईं ओर पी है। तो एस यहाँ पे हो जाएगा तो इसका बायां इधर है, हो गया पी। तो हमसे पूछ रहा है, इसमें आंसर हमें बताना है। इसमें इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो मध्य में कौन है? हमें दिख रहा है मध्य में क्यू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ से दूसरे सवाल में बोल रहा है पांच मित्र पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। तो यहाँ पे दिशा दी गई है, तो पहले दिशा हम बना लेते हैं किधर बैठे हैं। दूसरा है हमारा सवाल, यहाँ पे पांच लोग हैं दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा बोर्ड पर, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जब भी बोलेगा बायां दायां ध्यान रखना है, बस फिर बन जाएगा सही से। दिशा की देखते हुए बैठे हैं उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो यहाँ पे भी हमें बाएं और दाएं छोर पे कौन है नहीं पता, तो फिर बनाना शुरू करते हैं जैसे बोल रहा है। तो पहले में बनाते हैं जैसे बोल रहा है उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। तो मान लिया ये मोहन ये बीच में है, तो ये मोहन हो गया। मोहन किनके बीच में है? राजू और बालू के बीच में है। फिर बोल रहा है राजू और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो अब राजू को परवीन को कहाँ बनाए? इधर तो मैंने बना दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ना, तो ध्यान देना है। जैसे दाईं ओर किधर होगा? अगर हम लोग परवीन को कहाँ बनाए कि राजू के दाईं ओर आए, राजू उसके दाईं ओर है, तो अगर दक्षिण की ओर मुख किया तो दायां इधर होगा उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको एक स्थान इधर कर देंगे। यानी इस तरह हमने जैसे दूसरा बनाया यहाँ पे, अगर
तो क्या करेंगे, राजू यहाँ पे हो गया, ये मोहन हो गया, ये बालू हो गया, अब परवीन को यहाँ बना देंगे तो बन गया जैसे बोला था, क्या है राजू, मोहन राजू और बालू के बीच में है और फिर राजू परवीन के दाईं ओर है, तो बन गया जैसे बोला था। फिर आगे बोल रहा है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित कहाँ है, बालू के दाईं ओर। अमित कहाँ बनेगा यहाँ पे, क्योंकि सबका मुंह दक्षिण की ओर है तो दायां इधर है अमित का, ये बन गया, अब बन गया जैसे बोला था। आगे हमें बताना है इसमें, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाया छोर कौन सा है, ये है, तो सबसे दाईं ओर कौन है, अमित। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल, तीसरे में बोल रहा है इसमें, छह लड़के पी क्यू आर एस टी और यू तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो यहाँ भी दिशा दी गई है, छह लोग हैं उत्तर की ओर, एक दो तीन चार पाँच छः उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, आर तथा एस हमेशा साथ है तथा आर एक छोर पर है, R के दाएं S नहीं है। यहाँ पे मिल गया, R एक छोर पर है। अब इस पे बनाया, इस पे ये नहीं पता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बोली गई कि R और S जो है हमेशा साथ में है, लेकिन फिर उसके बाद और एक चीज़ R और S के लिए है कि R के दाएं S नहीं है। तो अगर हम लोग R को यहाँ बनाएंगे तो S को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, तो S इसके दाएं पड़ेगा, तो यहाँ पे तो सही नहीं होगा, जबकि बोला गया R S के दाएं नहीं है, नहीं R S के R के दाएं S नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया, R के दाएं S नहीं, अगर यहाँ बनाएंगे तब तो उल्टा हो जाएगा, R के दाएं S आ जाएगा। तो हम लोग क्या बनाएं, R को यहाँ पे बनाएं तो इसी के साथ S रहेगा, लेकिन इसके दाएं नहीं बाएं आएगा, ये सही हुआ। फिर यहाँ पे जो इससे पीछे बोला था, P तथा Q एक साथ बैठे है, R दक्षिण, नहीं दूसरा हो गया, P तथा Q पहले तथा दूसरे स्थान पर नहीं है, P और Q को पहले दूसरे स्थान पर नहीं बना सकते, इस पे कहीं भी हो सकता है, मान लिया P या Q इस तरह से बनाएंगे, कोई कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी हो P और Q इनमें से कहीं भी हो सकते हैं, पक्का नहीं है कौन कहाँ पे, बस ऐसे बना दिया, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है, अब कौन बचा, अब इतना ही बोला है, हमें बताना है इसमें, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, सबसे पश्चिम तो ये है ना, उत्तर की ओर है, पश्चिमी छोर है, अब यहाँ पे कौन है, तो इसमें दो लोग बचे भी हैं अभी, तो कौन कौन बना, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू बन गए, टी बचा है यहाँ पे, नहीं दूसरा बोल रहे हैं, टी और यू बचे हुए, टी और यू इन दोनों पे कहीं भी हो सकते हैं, बोला नहीं गया कहाँ पे होंगे, तो यहाँ भी हो सकता है टी या यू, यहाँ भी हो सकता है टी या यू, तो ऑप्शन में दिया गया है एस एस या यू, टी टी या यू, तो हम लोग सिर्फ टी नहीं देंगे, क्योंकि कोई कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, बोला नहीं गया, तो टी या यू दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, टी या यू। तो अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल, इसमें से चौथा सवाल जो इसमें बोल रहा है, पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, पी तथा क्यू साथ में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, आर दक्षिण छोर पर बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है, टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, मध्य में कौन बैठा है। तो पहले बनाते हैं किधर मुख किया है, पश्चिम की ओर, तो इस तरह लाइन बना लेते हैं, पश्चिम किधर होगा बोर्ड पे, इस साइड होगा ना पश्चिम, तो इधर बना लेते हैं, छह लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, अब यहाँ पे छोर पे कौन है पता है, आर दक्षिण छोर पर है, तो दक्षिण किधर है यार, यहाँ पे ये नीचे वाला, तो आर कहाँ पे है, दक्षिण छोर पर, बना दिया आर को दक्षिण छोर पर, एस उत्तरी छोर पर है, एस उत्तरी छोर पर है, बन गया। फिर टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, तो टी कहाँ होगा, टी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, तभी इन दोनों का पड़ोसी है। अब हमें बताना है, अब एक कौन बचा यहाँ पे, एक स्थान, पांच ही लोग हैं यहाँ पे, मैंने छह बना दिया है, तो यहाँ एस होगा, एक स्थान बचा है, यहाँ पे कौन होगा, हो गया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे कौन होगा, पी, अब एक स्थान बचा है, यहाँ पे भी बचा है, तो पी हो गया। हमें बताना है मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन है, दिख रहा है मध्य में कौन है, क्यू, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग करेंगे पांचवा सवाल, पांचवें में बोल रहा है इसमें, पांच भिन्न भिन्न रंगों के
कि बसें दक्षिण दिशोन्मुख एक पंक्ति में खड़ी है। तो दक्षिण की ओर है, तो पहले बना लेते हैं इनका है। एक दो तीन चार पांच बसें हैं अलग अलग कलर की। अब हमें इसमें बोल रहा है आगे, उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर खड़ी है, हरी बस पीली नीली और पीली के बीच खड़ी है, तथा पीली बस काली और हरी के बीच है, तब बिल्कुल बीच में कौन सी रंग की बस है। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं छोर, नहीं पता कौन कहाँ है। यहाँ बोल रहा है काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर खड़ी है, तो यहाँ पे अगर हम लाल बनाएंगे तो काली ठीक दाईं नहीं होगी। यहाँ पे बनाते हैं इस छोर से, क्योंकि छोर से शुरुआत करना ज़्यादा सही रहेगा, बीच में कोई आएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लाल, ये लाल बस है, तो यहाँ पे कौन सी बस हो जाएगी, काली बस हो जाएगी। लाल बस के ठीक दाईं ओर कौन है, काली बस है, तो ये दायां है क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है, तो दायां इधर होगा, इसलिए इस तरफ बना दिया। फिर उसके बाद बोल रहा आगे, हरी बस नीली और पीली के बीच खड़ी है, तो हरी बस कहाँ होगी, हरी बस यहाँ पे होगी, तभी तो एक तरफ नीली होगी एक तरफ पीली होगी, बीच में आएगी, इस तरह बना दिया। अब देखते हैं आगे भी बोल रहा है कुछ, तथा पीली बस काली और हरी के बीच है, पीली बस काली और हरी के बीच है, लेकिन यहाँ तो सबसे किनारे पे आके हम लोग क्या करें, इसको बदल दे, यानी यहाँ पे पीली बस कर दे, यहाँ पे नीली बस कर दे, क्योंकि हरी तो इनके बीच में ही है, कहीं भी इधर करो। अब इससे क्या हो गया, जो पीली बस है वो हरी और काली के बीच में भी आ गई, क्योंकि बोला गया ना पीली बस हरी और काली के बीच में है, इस तरह से बना दिया। अब आगे इसमें बताना हमें, तब बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है, बिल्कुल बीच में यहाँ पे दिख रहा है कौन सी बस है, पीली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे छठा सवाल, छठवें में बोल रहा है, छह व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बैठे हैं, तो दो पंक्तियाँ ऐसे बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह बना दिया। अब बोल रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यों किसी के भी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब वो बीच में होगा कहीं पे भी, पहली में बना दिया, बना दिया। अब आगे बोल रहा है ओ क्यों का पड़ोसी है, ओ कौन है, क्यों का पड़ोसी, तो ओ को यहाँ बना दिया इसके पड़ोस में। फिर आगे बोल रहा है और पी के विकर्णवत सम्मुख है, ओ किसके विकर्णवत सम्मुख है, सम्मुख है पी के, तो पी कहाँ होगा, विकर्ण मतलब ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है, तो P यहाँ पे दूसरी पंक्ति में यहाँ पे होगा, ये बना दिया P, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो ये P हो गया, यहाँ पे P है। फिर उसके बाद बोल रहा है N R का पड़ोसी है, N जो है वो R का पड़ोसी है, लेकिन R अभी नहीं आया यहाँ पे, इससे पहले वाली लाइन में था, P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, P को कहाँ पे, पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो आर कहाँ होगा, आर यहाँ पे होगा, अगर आर को यहाँ बनाते तो आर आना, क्योंकि इधर का मुंह है तो आर का बाया इधर है, ठीक, तो अब पी जो है आर के बाईं और दूसरे स्थान पे है, बना दिया यहाँ। फिर उसके बाद बोल रहा है एन आर का पड़ोसी है, एन कौन है, पड़ोसी है आर का, ये हो गया। अब इसमें कौन बचा, एम बचा, तो यहाँ पे कौन होगा, एम होगा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है, N के सम्मुख कौन है, क्यों, तो यहाँ पे सम्मुख नहीं दिख रहा, गलत नहीं समझ, क्योंकि इसमें किसी को बायां दायां नहीं बोला गया। अगर हम इस पंक्ति को ऐसे भी बना दे, इनके सम्मुख इस तरह से बना दे, तो जो जहाँ है वहीं पे रहेगा, क्योंकि इनके लिए बायां दायां तो बोला नहीं गया था, तो N के सम्मुख कौन आएगा, आर, तो यहाँ पे क्यों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोग अगला सवाल करेंगे, अगले में बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पहले प्रश्न में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो यहाँ पे पहले एक जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से हमें उसी तरह बनाना है पंक्तियों को, फिर इसमें से पांच प्रश्न पूछे गए हैं, उन पंक्तियों को देख के हमें आंसर देना होगा, पहले बनाते हैं। तो जैसे कि बोल रहा है इसमें, एक परिवार के सात सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मतलब लाइन से नहीं है ये बोलना है, जैसे अभी बाद में बोलेगा उस तरह से बनाएंगे, ठीक, तो पहले बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हैं, अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। बोल रहा है सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के मध्य में मध्य खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सी और जी के बीच, बी के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने जी और सी के मध्य खड़े हैं, तो अभी नहीं बनाएंगे, देखते हैं कोई और मिले आगे तब।
डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा और ई के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पे छोर का एक मिला हमें, तो क्या करें, बोल रहा है डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा, तो अगर इधर मुख किए हुए तो बाएं छोर कौन सा होगा, ये बाया छोर है ना, तो बाएं छोर से तीसरा कौन है, डी, बाएं छोर से तीसरा डी, तो बाएं छोर से तीसरा स्थान ये है, यहाँ पे कौन है, डी, यहाँ पे बना दिया डी। फिर बोल रहा है और, डी के लिए बोल रहा है और लगा के, और ई के बाएं तीसरा, ई के बाएं, तो ई को किधर बनाए, एक दो तीन, ई को अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं तो क्या होगा, ई का मुंह इधर है, ई का बाया इधर ही तो होगा, ई के बाएं तीसरा, बाएं छोर से तीसरा और ई के बाएं तीसरा कौन है, डी है, ये बोला गया, बना दिया, ई के बाएं तीसरा आ रहा है ये। फिर आगे बोल रहा है ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं, ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं। ए और डी, मान लिया ए यहाँ पे है, ए और डी क्या है, पड़ोसी है, और फिर उसके बाद बोला है और सी, एफ तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी है। तो इससे पहले भी सी की एक बात हुई है, पहले सी वहां से बनाते हैं, जैसे पहली लाइन में क्या बोला गया था, सी और मध्य के बीच उतने, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के मध्य। तो हम क्या करते हैं, जी सी को अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा बी को, बी यहाँ पे बनाएंगे तो इनके बीच दो आए, और जी को भी हम यहाँ बनाएं तो इनके बीच भी नहीं, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ गलत हो रहा है, सी को हम यहाँ बनाएं, सी को यहाँ बना दें, बी को यहाँ और जी को यहाँ, तो अब आ रहा है ना, सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति है जितने सी और जी के बीच, दो दो आ रहे दोनों में, बन गया। अब यहाँ वाली लाइन देखते हैं, बोल रहा है ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी है, ए और डी तथा एफ और सी परस्पर पड़ोसी हैं, बन गया, पड़ोसी बन गए साथ में। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको करते हैं, क्या करना है, बी ई का पड़ोसी है, अच्छा इसके आगे ये भी बोला है बी ई का पड़ोसी है, अब यहाँ गलत हो गया, बोल रहा है बी जो है वो ई का पड़ोसी है, तो क्या करें, इनका स्थान बदल दें, रहेगा तो वही ना, सी से दूरी तो वही है दोनों की, तो इनका बदल सकते हैं, यहाँ पे पहले ऐसे ही बना दिया था, तो बी यहाँ पे हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा, अब सही बना, जैसे बोला गया था उस तरह से बना दिया। अब इसमें हमें आंसर देना है, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पांच ऑप्शन दिए गए हैं, पहले बोल रहा है ए एफ के बाएं तीसरा है, ए एफ के बाएं तीसरा है, गलत है, एफ का बाया थोड़ी ना, ए एफ के बाएं तीसरा, अच्छा ये एफ के बाएं तीसरा ए है, सही है, इसमें असत्य कौन सा ये बताना है, तो ये तो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है डी ई के बाएं तीसरा है, डी ई के बाएं तीसरा है, सही है। फिर उसके बाद एफ ए के दाएं तीसरा है, एफ ए के दाएं तीसरा, ए का दाएं इधर है, बी सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं तीसरा, बी सी के बाएं तीसरा है, बी सी के बाएं तो नहीं आ रहा, दाएं आ रहा है यहाँ पे, गलत है। फिर अगला बोल रहा है सी बी के बाएं तीसरा है, सी बी के बाएं तीसरा है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी और इसमें सवाल है, इसमें पांच सवाल पूछे गए हैं इस प्रश्न में से, इस जो व्यवस्था दी गई है इसमें हमें पांच सवालों का आंसर देना, तो ये पहला हुआ, पहले का आंसर मिल गया हमें, अब दूसरा जो बोल रहा है उसको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब की बार कौन सा सही है वो बताना है, तो देखते हैं, पहले बोल रहा है सी और ई पड़ोसी है, नहीं पहला गलत है, सी और ई पड़ोसी नहीं है दिख रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है सी ई एफ के निकटतम बाएं है, ई एफ के निकटतम बाएं है, नहीं ई एफ के दाएं है, तो ये गलत है, सी डी के निकटतम बाएं है, सी डी के निकटतम बाएं है, नहीं ये भी दाएं आ रहा है, ये गलत है। फिर बोल रहा है ए डी के निकटतम बाएं है, ए डी के निकटतम बाएं है दिख रहा है, एक इधर है डी के बाएं बगल में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो इसमें दूसरा सवाल है उसका भी डी वाला हमारा सही आंसर होगा। फिर उसके बाद तीसरा सवाल इसी में, निम्नलिखित में से पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन है, तो दिख रहा है पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन है, बी है, दाएं छोर ये है, तो यहाँ पे तीसरे सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से दो जोड़े निकटतम पड़ोसी को दर्शाते हैं,
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, दो जोड़ों को बताना है जो निकटतम पड़ोसी हैं। तो पहला ए सी, नहीं ए सी तो पड़ोसी है ही नहीं, पहले ही गलत हो गया। डी सी भी नहीं, डी सी है लेकिन ए सी पड़ोसी नहीं, तो पहला गलत। दूसरा ए बी, ए बी भी पड़ोसी नहीं है, ये गलत हो गया। क्या अगला देखिए, फिर ऑप्शन नंबर सी डी सी, हाँ डी सी पड़ोसी है। फिर और एफ ई, एफ ई तो दिख रहा है, डी सी और एफ ई दोनों पड़ोसी यानी चारों पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यानी चौथा जो इसमें सवाल है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से एफ के निकटतम दाएं कौन खड़ा है। एफ के निकटतम दाएं, तो दाया ये है एफ का, दाएं कौन है ई, तो ऑप्शन नंबर ए, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब इसी में हम आठवां सवाल करेंगे। बोल रहा है आठ मित्र जी एच आई जे एन ओ पी और क्यों एक सीधी पंक्ति में खड़े बैठे हैं परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। तो चलो सीधी पंक्ति पहले बनाते हैं, ये सीधी पंक्ति है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ लोग हैं। अब बोल रहा है कैसे, एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो ओ को अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो ये तो सही नहीं होगा, ओ जो है पंक्ति से छोर पे है, तो ओ को यहाँ बनाएंगे तो एच यहाँ पे, अब यहाँ से आ रहा है ना एच ओ के दाएं, सॉरी एच ओ के दाएं हैं, यहाँ उल्टा बना दिया मैंने। तो बोल रहा है एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो ओ यहाँ पे है, इसके दाएं दूसरा स्थान ये, यहाँ पे कौन है एच। फिर बोल रहा है आगे ओ पंक्ति के एक छोर पर है, छोर पे बनाया भी है, एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पे है और ओ पंक्ति के एक छोर पे है, बन गया। एच और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति है, एच और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, तो एन कहाँ पे होगा, इससे चौथे स्थान पे, तभी तो एक दो तीन लोग अभी इनके बीच में आएंगे। फिर इसके बाद आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहले यहां से दूसरा देखते हैं। यहां पे बोल रहा है पी एन का निकट एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है एन का पड़ोसी नहीं है, तो यही वाली लाइन बनाते हैं यहां से, आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पे है। तो अगर हम लोग जे को यहां बनाते हैं, ये जे को यहां बनाएंगे तो आई इसके बाएं तीसरे, एक दो तीन बाया ये होगा, ये हो जाएगा आई, आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जे और जी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, जे और जी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, यहाँ से आगे यहाँ पे कहीं बना नहीं सकते, बन गया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो इनके बीच दो व्यक्ति हैं इसीलिए यहाँ पे जी को बना दिया। अब पी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो दो ही स्थान बचे हैं, पी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ये एन का पड़ोसी नहीं है, तो पी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब कौन बचा इसमें से, जी एच आई जे एन ओ पी, कौन बचा है, सिर्फ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ बन गया क्यू। अब हमें बताना है, इसमें आंसर देना है प्रश्न जो पूछ रहा है। पहला प्रश्न है निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है, तो पंक्ति का दाएं छोर ये है, दाएं छोर पे कौन है, जी। तो यहाँ जो हमारा पहला सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। फिर दूसरा सवाल, निम्न में से कौन जे और जी के बीच में बैठे हैं, जे और जी के बीच में कौन है, दिख रहा है क्यू और एन, तो क्यू और एन ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर तीसरे में बोल रहा है एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है, एन के संदर्भ में पी का स्थान, इसका मतलब हुआ एन से अगर हम लोग देखें तो पी कहाँ पे बैठा है, तो क्या दिख रहा है, अगर एन से देखते हैं तो पी कहाँ पे है, एन के बाएं तीसरा, एन से बाएं तीसरा पी है क्योंकि ये एन का बायां है, तो एन के बाएं तीसरा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, बाएं तीसरा, बाएं को तीसरा ये आया। फिर चौथा सवाल, दी गई व्यवस्था में के आधार पर क्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो क्यों के लिए कौन सा कथन सत्य है, पढ़ते हैं। बोल रहा है क्यों और एन के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, क्यों और एन के बीच केवल दो व्यक्ति नहीं, यहाँ तो पड़ोसी हैं, तो ये तो गलत हो गया, मुझे हमें सत्य वाला जो सही है उसको बताना है, तो ये गलत है। दूसरा बोल रहा है क्योंकि दाएं केवल दाएं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि दाएं केवल
दो व्यक्ति बैठे हैं, यही सही है। आगे पढ़ लेते हैं, गलत ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी अभी लगा देते हैं। तो जो चौथे का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। सी में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, नहीं आ तो गया आंसर। फिर डी में बोल रहा है आई और जी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, आई और जी नहीं। फिर ई में बोला है पी क्यू के एकदम दाएं बैठा है, पी क्यू के एकदम दाएं नहीं है, एक स्थान छोड़कर है। तो यहाँ पे बी ही हमारा सही आंसर होगा। अब पांचवा जो है उसमें पूछ रहा है हमसे पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और जी के बीच कितने लोग हैं, एक दो तीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तीन करेंगे। नौवां सवाल नौवे में बोल रहा है पांच व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच बना दिया। बोल रहा है इन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। तो यहाँ पे इस तरह तुलना की जा रही है उनके गुणों से। तो बोल रहा है जो बिल्कुल छोर पर है उनमें से एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। तो मान लिया ये वाली छोर पे बुद्धिमान है, अपने मन से कहीं बना लेना ये बुद्धिमान है, ये कौन है मूर्ख है, ये इस छोर पे बन गया। फिर बोल रहा है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कमजोर बनाते हैं तो यहाँ पे कौन होगा मोटा, क्योंकि कमजोर के दाईं ओर कौन है मोटा, ये बन गया कमजोर के दाईं ओर मोटा। फिर उसके बाद बोल रहा है एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है, लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है, तो मूर्ख व्यक्ति ये है इसका बायां ये, तो यहाँ पे कौन होगा लंबा व्यक्ति जो है, ठीक बन गया। अब बताना इसमें कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में है, बुद्धिमान और मोटे के बीच में कौन है कमजोर व्यक्ति, बन गया सही है। अब इसमें तीन सवाल है हमें बताना है इसमें। तो पहला जो सवाल है लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, दायां छोर कौन सा है ये है, दाईं ओर से लंबा व्यक्ति किस स्थान पे है दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहले सवाल का ऑप्शन नंबर बी। फिर दूसरा सवाल जो है इसमें बोल रहा है वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन से लक्षण व्याप्त है, यानी कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर जो व्यक्ति बैठा है वो कौन सा गुण है उसमें या कौन सा लक्षण है। तो कमजोर व्यक्ति कौन है ये है, इसका बायां इधर है, बाईं ओर कौन बैठा है इसके बुद्धिमान। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बुद्धिमान ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर तीसरे में बोल रहा है यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति भी आपस में स्थान अदल बदल कर ले, तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठेगा। तो बना लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, यहीं पे क्या पहले जो बोला उसको करते हैं। क्या बोला है मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति, तो मोटा व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे कौन हो जाए मूर्ख और मोटा यहाँ पे चला जाए, ठीक स्थान अदल बदल ले। फिर उसके बाद लंबा और कमजोर, ये कमजोर व्यक्ति है लंबा व्यक्ति, ठीक तो लंबा व्यक्ति यहाँ पे आ जाए और कमजोर व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, बुद्धिमान वहीं पे है इसका नहीं बदलना है, ठीक ये बना। फिर से नई पंक्ति ये हो गई। अब हमें इसमें आंसर देना है तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, कौन सा व्यक्ति ये कमजोर व्यक्ति है, कमजोर के बाईं ओर कौन है मूर्ख। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज बस हम लोग इतना ही करेंगे, कल हम लोग करेंगे आगे के सवाल इसमें से, जब दो पंक्तियां दी होंगी तो उसके लिए। तो बस इतना ही, आप लोग सवाल लगाइए।